नमस्कार, अनमोल क्लासेस ऑफ सीएसई एकेडमी चंपापेट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो कि पीएमजी दिशा के नाम से पॉपुलर है, उसमें पूछे जाने वाले सवाल क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में जानेंगे। इसमें आपको दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है और इस टाइपिंग टेस्ट में आपको कम से कम 3 मिनट तक का समय देना रहता है। ज्यादा आप समय ले सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 मिनट तक आपको इस सेक्शन ए में व्यतीत करना रहता है। सेक्शन बी में आपको 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, वो सेक्शन बी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए जो कि टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में देख लें। तो एक सैंपल पैराग्राफ हम यहाँ पर देखते हैं, जो एक सैंपल पैराग्राफ जो स्टूडेंट्स को टाइपिंग करने के लिए आता है वो ये है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान इज द स्कीम टू मेक 6 करोड़ पर्संस इन रूरल एरियाज। द स्कीम वुड एम्पावर द सिटीजन्स इन द रूरल एरियाज बाय ट्रेनिंग देम टू ऑपरेट कंप्यूटर और डिजिटल एक्सेस डिवाइसेज, सेंड एंड रिसीव ईमेल, ब्राउज इंटरनेट, एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, अंडरटेक डिजिटल पेमेंट एक्सेट्रा, एंड हेंस एनेबल देम टू यूज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस। यह एक सैंपल पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ देखकर आपको टाइप करने का है। तो ये एक आपको एक सैंपल कीबोर्ड है। अगर हम कीबोर्ड देखें तो इसमें इस टाइप करने के लिए हमको कौन कौन से एडिशनल की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आपका है कैप्सलॉक, ये कैप्सलॉक की, इसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है, ये है आपका कैप्सलॉक की। दूसरा है आपका ये स्पेस बार की है। स्पेस बार की को अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड में सबसे बड़ा जो की होता है वो आपका स्पेस बार की होता है। इसके बाद तीसरा है ये आपका फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का ये लोकेशन देखिए, फुल स्टॉप का लोकेशन कहाँ है। इसके बाद कॉमा का लोकेशन ये कीबोर्ड में देखिए कहाँ पर कॉमा का लोकेशन आ रहा है। इसके बाद हाइफन का लोकेशन देखिए कहाँ पर आपको आ रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप, कॉमा और हाइफन, ये तीनों जो है इंग्लिश के पंक्चुएशन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हमें बैकस्पेस और डिलीट, सामान्यतः यहाँ पर डिलीट का की रहता है, यहाँ पर बैकस्पेस का की रहता है, तो हमको बैकस्पेस और डिलीट इन की भी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम ये देख लें कैप्सलॉग की का फंक्शन क्या है। कैप्सलॉग की अलाउज यू टू स्विच द लेटर्स ऑन योर कीबोर्ड फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। तो अगर हम कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर और स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर की ओर जाना चाहेंगे तो हम ये कैप्सलॉक की यूज कर सकते हैं। सपोज अभी जो है अगर स्मॉल लेटर है तो एक बार अगर हम कैप्सलॉक प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो भी हम कैरेक्टर टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में आएगा, और अभी अगर कैपिटल लेटर है तो उसके बाद हम कैप्सलॉक की प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो भी हम कैरेक्टर टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कैप्सलॉक की जो रहता है वो स्मॉल लेटर, स्मॉल केस से अपर केस, लोअर केस टू अपर केस और अपर केस टू लोअर केस स्विच करने के लिए काम आता है। दूसरा है आपका स्पेस बार। स्पेस बार इज द की ऑन अ टाइपराइटर, इट्स मेन पर्पस इज टू एंटर अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स ड्यूरिंग टाइपिंग। तो जब दो वर्ड के बीच में जहां स्पेस की जरूरत पड़ती है वहां पर हम ये स्पेस बार यूज करते हैं। और स्पेस बार को अगर हम कीबोर्ड में देखें तो हमें पता लगेगा कि ये सबसे लंबा की होता है। तीसरा है फुल स्टॉप। अ फुल स्टॉप और डॉट
और अ पीरियड इज अ पंक्चुएशन मार्क। फुल स्टॉप जनरली हम इंग्लिश सेंटेंस में यूज करते हैं, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। चौथा है कॉमा। प्रेसिंग दिस की विद नो अदर की क्रिएट्स द कॉमा सिंबल। तो जहां पर अगर आप यहां पर देखेंगे इंफॉर्मेशन के बाद यहां पर कॉमा है, तो अगर हम ये कॉमा यूज करना चाहें तो हमको कॉमा की प्रेस करना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ में हमको देखना पड़ेगा कि कहां कहां हमको कॉमा यूज करना है, तो वहां पर हमें ये कॉमा की आवश्यकता पड़ेगी। हाइफन अल्टरनेटली नोन एज डैश सब्ट्रैक्ट नेगेटिव और माइनस साइन। द हाइफन इज अ पंक्चुएशन मार्क ऑन द अंडरस्कोर की नेक्स्ट टू द जीरो की। तो अगर हम देखें तो ये आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद जीरो। जीरो के बाद वाला जो की है ये आपका जनरली हाइफन की है। हाइफन अगर हम यहां पर देखें तो ये ईमेल्स, ई और मेल्स के बीच में हमको ये हाइफन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम ये ईमेल टाइप करना चाहें तो ई के बाद हमको ये हाइफन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है डिलीट। द डिलीट की इज अ की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड विच इज टिपिकली यूज्ड टू डिलीट आइदर द कैरेक्टर अहेड ऑफ द कर्सर और द करेंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। द की इज समटाइम्स रिफर्स टू एज फॉरवर्ड डिलीट की। डिलीट की का मतलब ये हो गया कि कर्सर के बाद वाला कोई भी कैरेक्टर है उसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट की को यूज करेंगे। तो डिलीट की सामान्यतः यहां पर आता है, यहां पर आपको डिलीट की रहता है और इसको फॉरवर्ड डिलीट भी कहा जाता है। और अगला है बैकवर्ड डिलीट। बैकवर्ड डिलीट और इसको हम कह सकते हैं बैक स्पेस। द बैक स्पेस की ऑल्सो डिलीट कैरेक्टर बट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो डिलीट और बैक स्पेस में अंतर ये होता है कि बैक स्पेस की जो रहता है वो डिलीट करता है कैरेक्टर लेफ्ट टू द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट में जो कैरेक्टर रहेगा उसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस यूज करते हैं। और डिलीट जो होता है वह फॉरवर्ड डिलीट रहता है, फॉरवर्ड डिलीट होता है। तो हमें ये टाइपिंग करने के लिए इन 7 एडिशनल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपका कैप्स लॉक, स्पेस बार, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, डिलीट और बैक स्पेस है। धन्यवाद।